हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आंसू, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छतों पे, मतलब रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि गार्डन कैसे किया जाता है, छत पे कैसे कोई पौधा लगाएं, कैसे पेड़ रोपें, कैसे क्यारी बनाएं, बताता हूं मैं आपको आज इस वीडियो में। शुरू करते हैं और देखिए, ये मेरा गार्डन, छोटा मोटा गार्डन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने सबसे पहले इस पर ईंट रखा है। ये मेरा रूफ है, छत है, इस पे ऊपर मैंने ईंट रखा। ईंट के बाद कुछ मिट्टियाँ भरी हैं इसके अंदर, और ये एक पौधा लगाया है। इसमें बड़े बड़े पौधे भी लगा देते हैं, जैसे कि पपीता हुआ, केला का पेड़ हुआ, इस टाइप का कुछ पेड़ लगा सकते हैं बड़े में। छोटे में फूल का पेड़, टमाटर का पेड़, कुछ कुछ छोटे पौधे लगा सकते हैं, फूल का पेड़ लगा सकते हैं। ये छोटा डब्बा में भी लगा सकते हैं, और मैंने लगा के रखा है। इधर भी मैंने बहुत सारे पेड़ लगा के रखे हैं, हर चीज़ में पौधा लगा सकते हैं। जो ज़रूरत है तो मिट्टी और पानी का बस। इधर भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। इधर भी मैंने सेम पहले ईंट रखा है। ईंट के नीचे सबसे पहले एक पन्नी दे देना चाहिए, जिससे छत आपका ख़राब ना हो। पन्नी से होता यह है कि छत में पानी नहीं जाती है और मिट्टी नहीं जाती है, और उसके ऊपर मिट्टी रहती है तो छत ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद मिट्टी रख के तब पेड़ लगाना चाहिए, उससे छत में कोई भी डैमेज, कोई भी सिल ख़राब नहीं होता उस पर। उसके बाद मैंने इधर भी कुछ लगाए हुए हैं पौधे, क्योंकि तो यहाँ पर भी है। इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस किया है, पहले ईंट लगाया, उसके बाद प्लास्टिक डाली है। देख, जो कि आपको साइड से दिख रहा होगा, पूरे में प्लास्टिक है। पहले प्लास्टिक बिछा के, पूरा प्लास्टिक से नीचे डाल के, उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी रख के, और तब मैंने ये पौधा सब लगाया है। ये अभी नया पौधा है, इसलिए थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, ये भी हो जाएगा। ये एलोवेरा का पेड़ है, तो ऐसे ही छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं। ये छोटा सा टमाटर का पेड़ है, जो कि अभी नया जन्म लिया है। तो ऐसे ही छतों पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ कुछ लगा सकते हैं, छोटे मोटे पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ लगा के शो को अच्छा कर सकते हैं, और कुछ कुछ लगा सकते हैं। धन्यवाद।